ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, हमें बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अपने चित्त को शांत, निर्मल, प्रेम और शुभ भावनाओं से भरपूर करना है। पवित्र तो अनेक आत्माएं बन गए, पर पवित्रता का बल थोड़ों के अंदर ही रहता है। पवित्र बनना अलग बात, निर्विकारी बनना अलग बात, और पवित्रता का बल अपने में बढ़ाना ये इम्पोर्टेंट बात है। पवित्रता ब्रह्मचर्य से शुरू होती है। निर्विकारी हम तब बन जाते हैं जब सभी विकारों को अंश और वंश सहित नष्ट कर देते हैं। लेकिन पवित्रता का बल किसमें आता है? वास्तव में जो सभी व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपनी पवित्रता में बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल जब से वो बाबा का बना उसने अपनी पवित्रता को बहुत अच्छी तरह कायम रखा है, लेकिन उसके अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत हो, पर चिंतन बहुत हो, पर दर्शन बहुत हो, ईर्ष्या द्वेष बहुत हो, उसके बोल अच्छे ना हो, तो उसके पवित्रता की शक्ति साथ साथ नष्ट होती रहती है। उसके चेहरे पर पवित्रता का तेज, पवित्रता का बल, पवित्रता की दिव्यता कभी नहीं आती। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। जिनकी पवित्रता तो अच्छी है और शायद वो सोचते हो हमारी पवित्रता के कारण हम बहुत आगे हैं, परंतु जिसकी पवित्रता बहुत अच्छी होगी ये सब चीजें नहीं होंगी। उसकी सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर उनके पास आती रहेंगी। उनके स्थान पर बहुत जबरदस्त रूहानी आकर्षण होगा। तो हम ध्यान दें इस बात पर कि पवित्रता धारण करने के साथ कहीं हम परचिंतन या व्यर्थ चिंतन के रोग से पीड़ित तो नहीं हैं। कई लोग बैठे बैठे यूं ही सोचते रहते हैं। यदि उनसे पूछा जाए तुम क्या सोच रहे हो, तो उन्हें ये भी पता नहीं होता वो क्या सोच रहे हैं, पर सोच सोच कर वो अपने चेहरे की दिव्यता, उसकी शालीनता को नष्ट किए रहते हैं। ऐसे कई लोग देखने में आते हैं जो बिना मतलब ही बहुत परेशान रहते हैं। उनसे यदि पूछा जाए तुम परेशान क्यों हो, तो वो कहते हमें भी नहीं पता, पर हमें खुशी नहीं रहती है। तो पवित्रता जहां है वहां संपूर्ण सुख, शांति, संतोष और प्रेम, खुशी दिखाई देनी चाहिए। अन्यथा समय लेना चाहिए। हमारे पास पवित्रता का बल बहुत कम है। हम सभी को अपनी पवित्रता की शक्ति से शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाकर वायुमंडल को भी पवित्र करना है और प्रकृति में भी पुनः उसकी खोई हुई शक्ति को भर देना है, ताकि प्रकृति जन्म जन्म के लिए हमारी पालना कर सके। उसने 5000 साल हमारी पालना की है। जो कुछ उसके पास था वो सब हमें दे दिया, हमारी पालना में लगा दिया और अब खाली हो चुकी है। तो आज सारा दिन हम प्रकृति को भी योगदान करेंगे, दोष वमान अपने पास रखेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और प्रकृति का मालिक हूं। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। संपूर्ण प्रकृति उन्हें ग्रहण कर रही है। हमें याद रहे पवित्र आत्मा, योग युक्त आत्मा जिधर चलती है उसके नयन जिस पर पड़ते हैं, उसकी दृष्टि जिसको देखती है, उनको पवित्र वाइब्रेशंस मिलते हैं। उनके पैर जहाँ टच करते हैं वहाँ पवित्र वाइब्रेशंस समा जाते हैं। उनके हाथ जहाँ लग जाते हैं हाथों से भी पवित्र किरणें निकलकर उन वस्तुओं में, सब्जियों में, पानी में, वस्त्रों में समाने लगती हैं। उनकी भावनाएं चारों ओर के वायुमंडल को परिवर्तित करती हैं।
तो आज का ये बहुत सुंदर अभ्यास रहेगा, हम प्रकृति को निरंतर पवित्र वाइब्रेशंस देते रहें तो हम बाबा के बहुत ही ज्यादा सहयोगी संतान साबित होंगे। बाबा ने कह दिया है जो बहुत अच्छे पवित्र बनते हैं वो मेरे बहुत सहयोगी रहते हैं, तो भगवान के कार्यों में सहयोग देने का ये सर्वोत्तम उपाय है कि हम व्यर्थ संकल्पों से, परचिंतन से, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर वायुमंडल को पावरफुल बनाएं। ओम शांति।